हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूं एक न्यू टॉपिक विटामिंस, जो कि किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो मेडिकल का एग्जाम्स हो, मींस नीट का एग्जाम, नीट यूजी का एग्जाम्स हो, या अदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस सब्जेक्ट आती है, उसमें विटामिंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले विटामिंस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शन। विटामिंस एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। को फैक्टर फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए को एंजाइम्स कवर करते हैं, मीन्स एंजाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं। इसेंशियल्स, ये इसेंशियल होते हैं सप्लाइड इन द डाइट, और डाइट के थ्रू हम इनको लेते हैं। इनको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। ऐसे विटामिन जो फैट में मीन्स लिपिड में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, जैसे ए, डी, ई और के। और जो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं मीन्स जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो बी और बी कॉम्प्लेक्स और सी होते हैं। विटामिंस आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर इसेंशियल फॉर नॉर्मल हेल्थ एंड ग्रोथ। मीन्स विटामिंस ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नॉर्मल ग्रोथ और हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट, ये थोड़े से मात्रा में ही इनकी ज़रूरत होती है जिसे हम डाइट से ऑब्टेन कर सकते हैं। इनकी सिंथेसिस हमारे बॉडी में नहीं होती है। विटामिंस की जब डिस्कवरी नहीं हुई थी उससे पहले इन्हें लाइम जूस के नाम से जाना जाता था, जिसका यूज हम स्कर्वी को प्रिवेंट करने में करते थे। और कार्ड लीवर ऑयल है उसका यूज हम रिकेट्स को के प्रिवेंशन में करते थे। इन 1912 साइंटिस्ट फाउंड दैट इन एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स सर्टेन अदर फैक्टर्स कॉल्ड विटामिंस मस्ट बी ऑब्टेंड फ्रॉम द डाइट। मीन्स साइंटिस्ट ने यह पता किया 1912 के बाद कि जो हमारा डाइट है उससे कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन्स के अलावा भी कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है और मिलते हैं, जिन्हें हम विटामिन कहते हैं। देन विटामिंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ग्रेटर नीड ड्यू टू वर्स इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट अच्छा रहा नहीं, अब बहुत ज़्यादा वर्स हो गया है, इस वजह से विटामिन की जरूरत पड़ती है। इम्प्रूव इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, प्रिवेंट इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए, और स्लोइंग एजिंग को स्लोइंग करने के लिए। देन विटामिंस देख लीजिए, ये फ्लो चार्ट है विटामिंस का। विटामिंस को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो नॉन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें आता है विटामिन सी। जो हमारा बी कॉम्प्लेक्स होता है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसे विटामिन जो एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन में हेल्प करते हैं उन्हें हम एनर्जी रिलीजिंग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें हमारा थियामिन B1, राइबोफ्लेविन B2, नियासिन B3, पायरिडॉक्सिन B6, बायोटिन B7 एंड पेंटोथेनिक एसिड B5, ये सारे एनर्जी रिलीजिंग विटामिन में आते हैं। देन हीमोपेटिक विटामिन मीन्स ऐसे विटामिन जो ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं या ब्लड सेल के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, वो क्या होते हैं, हीमोपोएटिक विटामिन होते हैं, जिसमें हमारा फोलिक एसिड और साइनोकोबालामिन आता है। ओके, देन सबसे पहले हम देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर, यूज्ड एज अ कोफैक्टर फॉर बाय मेनी एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर्स का काम ये करते हैं। नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी बिकॉज इट इज वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल होने की वजह से इन्हें हम बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा सकता है, ऐसे विटामिन का नाम बताइए जिन्हें हम बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। तो वो वाटर सॉल्युबल जितने भी विटामिन हैं उन्हें हम बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। देन आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, अभी बात हुआ ना कि इनका हम कोएंजाइम के तरीके से यूज करते हैं। जैसे थियामिन है, उसका थियामिन पाइरोफॉस्फेट इसका हम यूज करते हैं और ये डीकार्बोक्सीलेशन रिएक्शन में हेल्प करता है। ऐसे राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का यूज हम करते हैं, फ्लेविन एडनिन डाइन्यूक्लियोसाइड जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करता है। देन नियासिन विटामिन B3 इसका हम निकोटिनामाइड एडनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में काम करता है। देन पेंटोथेनिक एसिड को एंजाइम जो कि एस्टिल ग्रुप ट्रांसफर में हेल्प करता है। पायरिडॉक्सिन पायरिडॉक्सल फास्फेट जो कि ट्रांसमिनेशन में हेल्प करता है। ऐसे ही सारे जो हैं वो हेल्प करते हैं।
देन हम बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन मीन्स ऐसे विटामिन जो एक्वस में इनसॉल्युबल होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में, बट लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। ये किस लिए जरूरी होते हैं? देखो, सारे फैट सॉल्युबल विटामिन का एक ही जगह आपको फंक्शन मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट इन विजन, विजन में इंपॉर्टेंट होंगे, बोन के फॉर्मेशन में होंगे, एंटीऑक्सीडेंट होंगे और ब्लड क्लाटिंग। देखो, फोर विटामिन हैं फैट सॉल्युबल, ए डी और ई और के, जो कि चारों के फंक्शंस एक साथ दिए हैं। विटामिन ए विजन में हेल्प करता है, विटामिन डी बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन के ब्लड क्लाटिंग में हेल्प करता है, और इन्हें हम बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। देन फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, जैसा कि आपको दिख रहा है अभी, पहले हमने फंक्शन बता दिया, हालांकि यहाँ भी दिख रहा है फॉर्मेशन ऑफ विजुअल पिगमेंट, विटामिन ए हेल्प करता है डेवलपमेंटल ऑफ एपिथेलियल सेल, विटामिन डी जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट इन द बोन, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, विटामिन के जो होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रामिन फॉर ब्लड क्लॉटिंग। देन अब हम आगे एक एक विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। सबसे पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो था उसमें पहला है थियामिन, थियामिन विटामिन बी वन, ये फर्स्ट विटामिन जो है आइडेंटिफाई की गई थी। इसका ये एक कोएंजाइम्स है थियामिन, थियामिन पाइरोफॉस्फेट, थियामिन पाइरोफॉस्फेट एंजाइम इज रिक्वायर्ड बाई एंजाइम्स इन द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड के, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हम हेल्प करते हैं। इसकी डिफिशियंसी से वेरी वेरी डिजीज होती है, जिसके सिम्टम्स है फटीग, वेट लॉस एंड नर्व डिजनरेशन। जो थियामिन होती है, थियामिन इन्फ्लुएंस सैकेराइड मेटाबॉलिज्म, हेल्प अगेंस्ट टायर्डनेस, इट इज डिस्ट्रॉयड बाई सीवियर वॉशिंग। अगर हम चावल, ये राइस में पाया जाता है जैसा कि, और अगर हम चावल को बहुत अच्छे ज़्यादा धुल देते हैं वेजिटेबल्स को, तो उससे, हालांकि सब्जी धुल के ही खाना है, बस बहुत ज़्यादा नहीं धुलना। सीवियर इसकी अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो वेरी वेरी डिजीज हो जाती है। ये हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? तो इसके सोर्सेस हैं, ईस्ट है, सीरियल्स है, राइस है, लीवर है, लेग्यूम्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें। देन राइबोफ्लेविन विटामिन बी टू मेड ऑफ द शुगर एल्कोहल रेविटॉल एंड फ्लेविन, पार्ट ऑफ द कोएंजाइम फ्लेविन है, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये आपका है फॉर गुड विजन एंड हेल्दी स्किन के लिए रिस्पांसिबल है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन सैकेराइड एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, क्योरिंग ऑफ स्किन डिजीज को क्योर करने में हेल्प करता है, सपोर्ट ऑफ साइट फंक्शंस, लाइट सेंसिटिव होता है, और सोर्सेज जो इसके हैं, सीरियल्स हैं, एग हैं, वेजिटेबल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं और ईस्ट लीवर है। विटामिन बी टू के फंक्शंस आपको जैसा कि डायग्राम में भी दिख रहा होगा। देन विटामिन बी थ्री, जिसे हम नियासिन बोलते हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ कोएंजाइम, कोएंजाइम का नाम जो है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, मींस ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बात है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि जो नियासिन है उसका कोएंजाइम्स क्या है, नाम बताइए, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हेल्प करता है। इसकी डिफिशियंसी से डर्मेटाइटिस हो सकता है, मसल फटीग हो सकते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये जो मोस्टली हमें मिलते हैं मीट, राइस, होल ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें हमें मिलते हैं। देन विटामिन बी फाइव पेंटोथेनिक एसिड, जिन्हें हम बोलते हैं, ये कोएंजाइम की तरह से ये भी वर्क करता है, आ नीड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एज वेल एज ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। डिफिशियंसी कैन रिजल्ट इन फटीग, रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन में हो जाता है, मतलब ये इसकी कमी से एनीमिया भी हो सकती है। पार्ट ऑफ कोएंजाइम, कोएंजाइम का एक पार्ट है, रिड्यूस स्ट्रेस, प्रिवेंट टायर्डनेस, और ये नेसेसरी किस लिए होता है, नेसेसरी फॉर फार्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, फैटी एसिड, स्टेरॉइड हार्मोन्स, इसके फार्मेशन में हेल्प करता है। इसका जो सोर्स है होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, एग, लीवर, हार्ट, ईस्ट, ये सारी चीज़ें इसके क्या हैं, सोर्सेस हैं। देन पायरिडॉक्सिन विटामिन बी सिक्स, पायरिडॉक्सिन को हम पायरिडॉक्सल भी बोलते हैं, विटामिन बी सिक्स विच आर कन्वर्टेड टू कोएंजाइम पायरिडॉक्सल फास्फेट। देन पी एल पी इज रिक्वायर्ड इन द ट्रांसमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड के जो ट्रांसमिनेशन रिएक्शंस होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिफिशियंसी अगर इसकी हो जाती है पायरिडॉक्सिन की तो क्या हो जाता है, डर्मेटाइटिस, फटीग एंड एनीमिया। देन पायरिडॉक्सिन एमिनो एसिड एंड प्रोटीन मेटाबोलिज्म में भी हेल्प करता है, क्योर ऑफ एनीमी, फार्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स में हेल्प करता है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली। सोर्स जो इसका है मीट, फिश, लीवर, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, योक, लेग्यूम्स, ये सारी चीज़ें हैं, इमेज में आप देख सकते हैं।
देन विटामिन बी ट्वेल्व, सीधे हम बात करते हैं, इसमें विटामिन बी सेवन भी आ जाएगा, बायोटिन, विटामिन बी नाइन आपका आ जाएगा, जो आपका है फोलिक एसिड और विटामिन बी ट्वेल्व। ये जो है आप कंसिस्ट ऑफ फोर पायरॉल रिंग विद अ कोबाल्ट, सानो कोबाला मेन में क्या एलिमेंट होता है, कोबाल्ट होता है। इट इज अ को एंजाइम फार एंजाइम दैट ट्रांसफर मेथाइल ग्रुप एंड प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल। मीन साइनो कोबाला मीन जो है, जैसे कि अभी हमने वहाँ पढ़ा था ना जो कि जो है हीमोपोएटिक विटामिन जो हैं, तो विटामिन बी नाइन विटामिन बी ट्वेल्व थे ये। देखिए ये रेड ब्लड सेल के फार्मेशन में हेल्प करते हैं। इसकी डिफिशियंसी से कौन सी एनीमिया हो सकती है, परनीशियस एनीमिया एंड नर्व डैमेज हो सकती है। और जो आपका विटामिन बी नाइन था मीन्स फोलिक एसिड, उसकी कमी से क्या हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। देन साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन फार्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, देन मेंटेन न्यूरो मेंटेनेंस ऑफ न्यूरो टिश्यू, देन क्योर ऑफ न्यूरो डिजीज एनीमिया। इसका सोर्स क्या है, डेयरी प्रोडक्ट, मीट, पोल्ट्री सी प्रोडक्ट, ये सारी जो है इसके सोर्सेस हैं। देन एस्कार्बिक एसिड, अब एस्कार्बिक एसिड क्या है, नॉन बी कॉम्प्लेक्स है। इसमें देखिए इट रिक्वायर्ड इन कोलेजन सिंथेसिस, हाँ कोलेजन फाइबर के सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। डिफिशियंसी कैन लीड टू वीकेंड कनेक्टिव टिश्यू, इसकी डिफिशियंसी कनेक्टिव टिश्यू जो है वीक हो जाते हैं, हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है एंड एनीमिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इन फाउंड इन इंडियन गूजबेरीज, ब्लूबेरीज, सिट्रस फ्रूट, सबसे ज़्यादा है सिट्रस फ्रूट में पाए जाते हैं, टोमेटोज, ब्रोंकली, रेड एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, इसमें भी ये पाए जाते हैं लेकिन मोस्टली सिट्रस फ्रूट। इसका सोर्स आप आसानी से याद कर सकते हैं, सी मतलब विटामिन सी, सी मतलब सिट्रस, सिट्रस फ्रूट में आराम से पाया जा सकता है। देन विटामिन सी, विटामिन सी हार्मोन कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इन्फेक्शन रेजिस्टेंस क्योर आर ऑफ कट, अगर कट कहीं हो गया उनके क्योर में हेल्प करते हैं। हाइपर विटामिनोसिस एडिक्शन इन डायरिया ये हो सकता है। हाइपोविटामिनोसिस में क्या हो सकता है, अगर इनकी मतलब हाइपर विटामिनोसिस हो गई, मतलब विटामिन सी की का कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो गया, तो एडिक्शन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। अगर हाइपोविटामिनोसिस हो गया मतलब इसकी अगर डिफिशियंसी हो गई, तो इसका भी हो सकता है। इसका जो सोर्स है फ्रूट वेजिटेबल्स, जैसा कि आगे आपने आपको बता ही दिया। देन अब देखिए अभी तक हम क्या देख रहे थे, वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी हमने देखा। देन अब हम बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन में जो हमारा पहला आता है वो आता है विटामिन ए, जिसका क्या नाम है आपको पता होगा, रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए इज ऑब्टेंड फ्रॉम मीट एंड बीटा कैरोटीन इन प्लांट, प्लांट में बीटा कैरोटीन होता है उससे हमें मिलता है। बीटा कैरोटीन आर कन्वर्टेड बाय लीवर एंजाइम टू विटामिन ए, जब बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी के लीवर में जाता है तो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। देन इसका जो फंक्शंस क्या है विटामिन ए, ये प्रो विटामिन भी इसे बोलते हैं। रेटिनॉल, रेटिनॉल जैसा कि नाम है, कैंसर क्योर एंड प्रिवेंशन में हेल्प करता है। आईज, स्किन, जेनाइटल ग्लैंड्स के में ये हेल्प करता है। प्रो विटामिन्स चेंज टू ए विटामिन इन लीवर, लीवर में चेंज होता है, तो जो बीटा कैरोटीन है वो प्रो विटामिन है। इसके जो सोर्सेस हैं, लीवर, एग योक, डेयरी प्रोडक्ट, और प्रो विटामिन्स के जो सोर्सेस हैं वो है कैरेट, पेपर्स, स्पेनिच, स्पिनच, येलो फ्रूट्स, जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, विटामिन ए के सोर्सेस हैं। देन अगर हम बात करें बीटा कैरोटीन, इंक्रीज कंजप्शन ऑफ बीटा कैरोटीन इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक, अगर बीटा कैरोटीन हम लेते हैं अपने डाइट में तो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, स्किन एंड लंग कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं, तो सारी चीज़ें हैं। एंटीऑक्सीडेंट के तरीके से ये वर्क करता है। देन जैसा कि आपको यहाँ इमेज में दिख रहा है कैसे ये इसका पूरा, देन विटामिन ए, देन विटामिन डी दूसरा है, विटामिन डी थ्री इट इज सिंथेसाइज्ड इन स्किन एक्सपोज टू सनलाइट, जो हमारी विटामिन डी टू है वो तो हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, जो कि और विटामिन डी थ्री में ये कन्वर्ट होता है। तो ये जब सन की रेजेज हमारे स्किन पर पड़ती हैं, रेगुलेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस एंड कैल्शियम, तो ये इसका सिंथेसिस कब होता है, जब सिंथेसिस तब होता है जब सन की सनलाइट मतलब सन की रेजेज हमारी स्किन पर एक्सपोज होती हैं। और ये किस में हेल्प करता है, रेगुलेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस एंड कैल्शियम ड्यूरिंग द बोन ग्रोथ। डिफिशियंसी, इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, चिल्ड्रन में रिकेट्स रोग हो जाता है, और जो एडल्ट होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। इसके जो सोर्सेस हैं, एग योक, कॉड लीवर, आयल, मिल्क एंड सनलाइट। देन विटामिन डी, विटामिन डी कैल्सिफेराल, द सन विटामिन इसे कहते हैं क्योंकि आपको जैसा कि हमने बताया रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, इसके सोर्सेस हैं ईस्ट, फिश, योक, डेयरी प्रोडक्ट, ये सारी। देन विटामिन ए, विटामिन ई को एंटी ऑक्सीडेंट के नाम से
के नाम से भी जानते हैं, इनसेल में मे प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, के ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। इज फाउंड इन वेजिटेबल्स ऑयल्स होल ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। विटामिन ए, विटामिन ए का जो नाम नेम है केमिकल नेम वो है टोकोफेराल। इसका हमने जैसे कि आपको बता दें एंटीऑक्सीडेंट में हेल्प करता है, मीन्स लिपिड प्रोटेक्शन में। देन इम्प्रूव इम्यूनिटी, क्योर मसल्स एंड हार्ट, स्किन डिजीज, बर्न। सोर्सेज जो इसके ग्रीन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ऑयल, कॉर्ड, कॉर्न, एग, ब्रेड, डेयरी प्रोडक्ट, पीज, बीन्स, ये सारी चीज़ें। देन लास्ट है विटामिन के। विटामिन के वन जो है प्लांट में पाया जाता है, जो सैचुरेटेड साइड चेन है। विटामिन के टू एनिमल में होता है, जो लॉन्ग अनसैचुरेटेड साइड चेन होता है। विटामिन के टू इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ जाइमोजेंस फॉर ब्लड क्लाटिंग। ब्लड क्लाटिंग में जो जाइमोजेंस की जरूरत हमें पड़ती है फैक्टर्स की, उसके सेंसेस में विटामिन के हेल्प करता है। देन विटामिन के और कहाँ ब्लड क्लाटिंग में हेल्प करता है, हायर नीड बाई न्यू बार्न, जो न्यू बार्न बेबी होते हैं उनमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। पीपल विद लीवर डिजीज उनमें ज़रूरत होती है। फैट मल एब्जॉर्प्शन अगर है तो उसमें ज़रूरत होती है। इसके जो सोर्सेस हैं वो ग्रीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, टोमेटोज, सोयाबीन मीन्स बीफ, लीवर्स, योक, व्हीट, बटर, चीज इसमें मिलता है। देन अब यहाँ है RDA मीन्स डेली रिकमेंडेड अनाउंस, सॉरी RDA का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अनाउंस। इसमें जैसा कि आपको विटामिन ए आपको वन मीन्स एडल्ट की यहाँ वैल्यू बताई गई है नॉर्मल एवरेज 1-3 मिलीग्राम पर डे लेना है। विटामिन B1 30-200 मिलीग्राम डेली। विटामिन B2 20-200 मिलीग्राम डेली। विटामिन B3 ये 30-100 मिलीग्राम डेली। विटामिन B5 20-500 मिलीग्राम डेली। विटामिन B6 10-50 मिलीग्राम डेली। विटामिन B12 5-8 मिलीग्राम डेली। देन विटामिन एच बायोटिन 300-5000 मिलीग्राम डेली। विटामिन सी 2-12 ग्राम डेली। विटामिन डी जो आपकी कोलीकैल्सिफेरॉल मीन्स 10 मिलीग्राम डेली। विटामिन ई जो है आपका 400-2000 मिलीग्राम डेली। और विटामिन के जिसे हम फाइलोक्विनोन बोलते हैं वो 80 मिलीग्राम डेली। दिस इज ऑल अबाउट विटामिंस, मीन्स विटामिंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को आराम से देखिएगा, अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ये जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।